हेलो फ्रेंड्स, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल इटेक्स हेल्पलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएम मोहित गुप्ता। कल 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की एक बहुत ही अहम बैठक हुई। इस मीटिंग का इंतज़ार था सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले होने थे। आइए डिस्कस करते हैं इस मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए हैं और उन फैसलों का टैक्स पेयर्स पर, मार्केट पर, प्रोफेशनल्स पर का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये 37th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी जो गोवा में हुई। इसको चेयर हमारी हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया। तो सबसे पहले इस 37th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला और पहला फैसला जो एक्सपेक्टेड था, जो एजेंडा में भी गया हुआ था, कि GSTR 9 एनुअल रिटर्न 9A एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर और जो एनुअल रिटर्न थी GSTR 9 और 9A वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए MSME कंपनीज के MSME रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए ऑप्शनल कर दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स थे उनके लिए 9A भरना अब ऑप्शनल हो गया 17-18 और 18-19 के लिए। जिन्होंने 17-18 का भर दिया है कोई इशू नहीं है, जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए अब ऑप्शनल है 17-18 और 18-19। साथ के साथ जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जो रेगुलर GST रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं और जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, कहने का मतलब ये है कि 9 महीनों की टर्नओवर 2 करोड़, दोस्तों जिनकी 17 जुलाई से मार्च 18 की 9 महीनों की टर्नओवर 2 करोड़ तक थी, कि मतलब कि जिनका GST ऑडिट नहीं होना था, अब उनके लिए GST एनुअल रिटर्न ऑप्शनल हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने GSTR 9 भर दी है अभी तक कोई इशू नहीं है, जिन्होंने नहीं भरी है वो अब फाइनेंशियल 17-18 और 18-19 के लिए मर्जी है उनकी कि वो एनुअल रिटर्न भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते। यहाँ पे समझने की बात यह है दोस्तों कि अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3 भी में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आपको एनुअल रिटर्न के थ्रू उसे करेक्ट करना चाहिए, और अगर आपका कुछ टैक्स बनता है बकाया तो वो आपको DRC 03 के थ्रू पे कर देना चाहिए। तो जिनकी भी GSTR 1 और 3B में गलतियां हुई हैं उनके लिए बेटर है कि वो अपना ऑप्शनल फैसिलिटी का यूज़ करें और अपनी GSTR 9 भर दें, और जिनकी GSTR 3B और GSTR 1 ठीक गई हैं उनके लिए GSTR 9 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको ऑप्शनल कर दिया है। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई है दोस्तों, जिसको टास्क दिया गया है कि एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट जो GSTR 9C में होता है उसको, उसके फॉर्म को सिंप्लीफाई किया जाए। देन इसके बाद GSTAT GST अपीलेट टर्मिनल में अपील फाइल करने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि GSTAT की स्थापना भी बहुत सारी जगह नहीं हुई है और वो फंक्शनल भी नहीं हुई है। इसके बाद ये एक बहुत अहम फैसला पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जो आया है, इसमें गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो ITC है, जो GSTR 2A के थ्रू रूट होता है, उसको किसी तरीके से सेक्शन 37 में जो GST रिटर्न आती है उसके दायरे में लाया जाए। इन ऑर्डर टू नर्ज टैक्स पेयर्स टू टाइमली फाइल देयर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय रिसिपिएंट इन केसेस वेयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स इन द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 37 ऑफ CGST एक्ट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैंने अपनी GSTR 1 नहीं भरी, क्योंकि GSTR 1 के थ्रू ही मैं अपना आउटवर्ड सप्लाईज दूसरे टैक्स पेयर्स को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो अगर मैंने अपनी GSTR 1 नहीं भरी तो उस केस में रिसिपिएंट को GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक प्रावधान लाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड GST रूल्स में अमेंडमेंट्स आएगी और पूरा डिटेल्ड इसका खाँचा बनेगा, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि अब जो रिटर्न लेट भर रहे हैं उनके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है, जिन्होंने उनसे परचेजेस किया है, जिन्होंने उनसे इनवर्ड सप्लाईज ली है, अब उन सबको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न लेट भरी तो रिसिपिएंट को उसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। नई GST की रिटर्न्स जो 1 अक्टूबर से लागू होनी थी अब उन्हें पोस्टपोन्ड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 के लिए। ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है। रीज़न वाई कि अभी डिपार्टमेंट, अभी गवर्नमेंट एनुअल रिटर्न का टारगेट लेके बैठी है 2017-18 का, और उसके बाद किसी तरीके से उनको 2018-19 के एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट भी 31 मार्च तक फिनिश करवाने का टारगेट उन्होंने
अपने ऊपर लिया है और उसके बाद नई रिटर्न्स को वो इंट्रोड्यूस करेंगे. सो इट इज़ बेटर कि एक एक करके अगर वो अपने टारगेट्स पूरा करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स टैक्स पेयर्स को भी नहीं आएगी और गवर्नमेंट को भी नहीं आएगी. तो ड्यू डेट जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की अब आ जाएंगे अक्टूबर से मार्च की. और जैसा आपको पता है कि 3B तो मंथ के बाद 20 तारीख तक भरनी होती है और जीएसटीआर 1 में दो कैटेगरी है, क्वार्टरली और मंथली. मंथली 11 तारीख तक भरनी होती है और क्वार्टरली क्वार्टर एंड के बाद नेक्स्ट मंथ के एंड तक भरनी होती है. ठीक उसी तरीके से अक्टूबर से मार्च तक की भी डेट्स ड्यू डेट्स आपकी आ जाएंगी. देन RFD 01 के लिए एक चेंज आया दोस्तों. इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर फॉर यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ अक्रॉस आर्ट ज्यूरिडिक्शन प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड इन फॉर्म RFD 01. तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आएगा जिसमें बताया जाएगा कि GST और RFD 01 के थ्रू आप रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं, हु इज़ एलिजिबल टू फाइल द रिफंड, हु इज़ एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड. देन eligibility to file the refund application form RFD 01A for the period and category under which a nil refund application has already been filed. तो दोस्तों आपने पहले गलती से nil refund application file कर दी थी, अब उन लोगों को दोबारा मौका मिलेगा उस particular period की आप RFD 01A भर दें और refund claim कर लें. Then clarification regarding supply of information technology enabled services के लिए एक आया है, उसके लिए एक नया circular आएगा. Then residing the circular नंबर 105/24/2019 विच वॉज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट स्केल डिस्काउंट्स, तो ये इसको हटा दिया गया है. उसके लिए बहुत ज़्यादा दुविधा मार्केट में चल रही थी, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव. देन J&K जो कि आपको पता है BOT हो गया है, तो उसके लिए रिस्पेक्टिव CGST, UT GST और SGST Act में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होने वाले हैं. इसके बाद एक जो पिछली GST काउंसिल मीटिंग में कहा गया था जो और जो फाइनेंस बजट में भी कहा गया था कि सेंट्रल GST डिपार्टमेंट सारा का सारा GST रिफंड खुद पे करेगा, मीन्स CGST, SGST, IGST सारा का सारा सेंट्रल GST डिपार्टमेंट से ही इशू होगा. अब इसके लिए GST काउंसिल ने बोला है कि इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम विद डिस्पर्सल बाय सिंगल अथॉरिटी विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 24th of September. तो इसका मतलब यह है कि स्टेट GST डिपार्टमेंट भी अब सारा का सारा रिफंड 24 सितंबर 2019 के बाद से पर प्रोसेस करेगा. तो जो भी ऑर्डर्स 24 सितंबर 2019 के बाद के होंगे उनका सारा का सारा रिफंड सेम GST अथॉरिटी इशू करेगी. इसके बाद आधार, पहले हमने इनकम टैक्स में आधार मैंडेटरी सुना था, अब ये आधार GST में भी आ गया है. आपके आगे के GST रजिस्ट्रेशन जितने भी होंगे वो आधार लिंक होंगे. इसकी स्कीम आने वाली है, शायद अप्रैल 20 से आ सकती है या जनवरी 20 से, गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट डेट. इसके बाद गवर्नमेंट इज़ वेरी मच वरीड अबाउट फेक इन्वॉइसेस. हम सबको पता है कि बिलिंग का सिस्टम पूरी मार्केट में बहुत पहले से चल रहा है. बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो खाली बिल इशू करते हैं और गुड्स की डिलीवरी नहीं करते. इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट इज़ टेकिंग प्रिकॉशंस और किसी न किसी तरीके से जो भी लोग इन लोगों से बिल लेते हैं उन लोगों को भी अब आगे से हार्डली पुनिश किया जाएगा. गवर्नमेंट की यही इंटेंशन है. तो दोस्तों ये थे इन प्रिंसिपल GST में चेंजेस. अब हम देखेंगे कि रेट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. सो कुछ रेट्स में रिडक्शन हुआ है. स्लाइब फास्टर्न्स जो पहले 18% पे था वो 12% पे आ गया है. मेरा इन फ्यूल जो 18% पे था वो 5% पे आ गया है. वेट ग्राइंडर्स जो पहले 12% पे थे अब वो 5% पे आ गए हैं. 5% से नील पे आने वाले भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ड्राइड टैमरिंड एंड देन प्लेट्स एंड कप्स मेड अप ऑफ लीव्स और फ्लावर्स और बाग. जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट कुछ चाहती है कि प्लास्टिक बैन हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने पत्तों से और पौधों से बने हुए, फूलों से बने हुए जो लीव्स और प्लेट्स और कप्स हैं उनका टैक्स रेट नील कर दिया है ताकि उसको बढ़ावा मिले, उसकी सेल बढ़े. देन 3% का GST रेट को 0.25% पे ले आए हैं फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स. देन एप्लीकेबल रेट ऑफ 5% ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स फॉर पेट्रोलियम ऑपरेशंस अंडरटेकन अंडर HELP. तो इनके लिए 5% का GST रेट फिक्स हुआ है. देन एग्जेम्पशन फ्रॉम GST/IGST ओन इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस गुड्स, इनके ऊपर IGST माफ़ कर दिया गया है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू FIFA जो वर्ल्ड कप अंडर 17 वुमेंस का होना है इंडिया में, उसमें अगर आप कुछ भी गुड्स सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उसको GST से माफ़ कर दिया गया है. देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन व स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. इसके बाद दोस्तों कुछ आइटमों पे GST रेट बढ़ाया भी गया है. तो 5% टू 12%, 5% की बजाय 12% हो गया उन गुड्स
फॉलिंग अंडर चैप्टर 86 ऑफ टैरिफ लाइक रेलवे वैगन्स कोचिज रोलिंग स्टॉक. दिस इज टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ ITC एकुमुलेशन विद सप्लायर्स ऑफ दीज गुड्स. तो जैसा हमें पता है कि अब इनका टैक्स रेट 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, मीन्स टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा कैफिनेटेड बीवरेजेस के ऊपर जो पहले 18% का टैक्स रेट था, अब उसको बढ़ा के 28% प्लस 12% सेस भी उसके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है. तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो ऊपर अपना टैक्स नेट लूज किया था रेट घटाने की वजह से, वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ने कवर करने की कोशिश की है. देन मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑन सिल्वर प्लेटिनम बाय स्पेसिफाइड नॉमिनेटेड एजेंसीज, एग्जेम्पशन ऑफ GST / IGST इन सबको मिलने वाला है. देन इंक्लूजन ऑफ डायमंड इंडिया लिमिटेड इन द लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड एजेंसी एलिजिबल फॉर IGST एग्जेम्पशन ऑन गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एज टू नो सप्लाई एट नील GST टू ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स. इसके बाद दोस्तों ए न्यू यूनिफॉर्म GST रेट ऑफ 12% ऑन पॉलीप्रोपिलीन वोवन एंड नॉन वोवन बैग्स एंड सैक्स वेदर और नॉट लेमिनेटेड ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज. तो इसका एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट आ गया. पहले इसका रेट 5% 12% 18% अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए था. अब इसका फ्लैट रेट 12% गवर्नमेंट ने कर दिया है. देन GST कंसेशन ऑफ सर्टेन केसेज फॉर सर्टेन पीरियड एग्जेम्पशन टू फिश मील जुलाई 17 से सितंबर 19 तक. There was doubt as regarding taxability of fish meal in view of interpretational issue. However, any tax collected for the period shall be required to be deposited. Since a indirect tax है and just enrichment का concept है, आप कोई भी tax pocket से pay नहीं करते. अगर आपने GST collect किया है तो आपको deposit करना है. अगर collect नहीं किया तो आप exempt हो गए हैं. 12% GST during the period July 17 to December 18 on pulley, wheels and other parts. एंड यूज एज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी. देन पैसेंजर व्हीकल ऑफ इंजन कैपेसिटी अप टू 1500 cc इन केस ऑफ डीजल, 1200 cc इन केस ऑफ पेट्रोल एंड लेंथ नॉट एक्सीडिंग 4000 mm डिजाइन टू कैरी अप टू 9 पैसेंजर्स अट्रैक्ट कंपनसेशन ऑफ 1% ऑन पेट्रोल एंड 3% ऑन डीजल. काउंसिल रिकमेंडेड सेम कंपनसेशन टैक्स रेट ऑन व्हीकल्स हैविंग दीज स्पेसिफिकेशंस बट डिजाइन फॉर कैरिंग मोर देन 10 पीपल बट अप टू 13 पीपल. तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले सिर्फ 9 लोगों तक उठाने वालों के लिए 1% और 3% का सस्ता, अब उसको बढ़ा के 13% तक की पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 1% और 3% का सेस रेट कर दिया गया है, जो पहले सेस रेट 15% था. तो ये किसी तरीके से उनको कंसेशन देने की कोशिश की गई है. हम सबको पता है ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रही है. देन अदर्स मेजर्स आर एरेटिक ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम. ऑप्शन टू पे GST एट द रेट ऑफ 18% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स फॉर पेट्रोलियम ऑपरेशंस प्रोवाइडेड दैट द गुड्स आर सर्टिफाइड बाय DGH एज नॉन सर्विसेबल. ये आप लोगों के मतलब का, बहुत कम लोगों के मतलब का होगा, बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी है. देन रिस्ट्रिक्शन ऑन रिफंड ऑफ कंपोजिशन सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स. देन प्रिस्क्राइबिंग मॉडलिटीज फॉर allowing concessions on spare parts imported temporarily by foreign airlines for repair of their aircrafts while in India in transit in terms of the Chicago Convention on Civil Aviation. Then certain other changes of technical nature for sake of clarity of application of notification. तो ये कुछ further notifications government issue करेगी जिसमें कुछ और additional चीज़ें clarify हो सकती है. Then clarification as regarding applicability of GST rate in respect to certain goods recommended by GST Council. Mere heating of leguminous vegetables for removing moisture or to soften or puff it or removing the skin and not subjecting to any other processing or addition of any other ingredients would be classified under HSN code 0713. So, ये इस तरीके की कुछ items है जिनके ऊपर HSN rate का doubt हो रहा था. GST Council ने अब clarify किया है. All mechanical sprayers following under HSN code 8424 shall attract 12% of GST. Part like solar evacuation tubes or solar power based devices like solar water heater, solar steam generation system would be eligible for 5% of GST rate. Exclusive part and accessories suitable for use solely and principally with a medical device would fall in respect of headings and attract GST rate of 12%. Almond milk will fall under HSN rate of 2202-9990 and attract GST rate of 18%. Then imported stores
फॉर नेवी वुड बी एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग। सो ये जितने भी जीएसटी रेट में चेंजेस हैं ये सारे के सारे 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, इनमें से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में बड़ा मेजर चेंज आया है। इसमें दो चेंजेस हुए हैं दोस्तों, एक तो गवर्नमेंट ने नॉन सीजन में वीज़ा की फ़ीस घटा दी है, 25 USD से घटा के 10 USD कर दी है, जिससे नॉन सीजनल जो पीरियड होता है उसमें भी टूरिस्ट अट्रैक्ट किए जाएंगे, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है। साथ ही साथ जितने भी होटल्स हैं उनके ऊपर भी जीएसटी रेट घटा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पहले 7500 से ऊपर वालों रूम रेंट वालों के ऊपर 28% का जीएसटी रेट था, अब उसको घटा के 18% का जीएसटी रेट कर दिया गया है। तो अब नई दरें इस प्रकार से हैं, अप टू 1000 नो जीएसटी, 1000 टू 7500 12% जीएसटी एंड 7500 से अबव पे 18% जीएसटी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इसके अलावा दर टू रिड्यूस द जीएसटी ऑन आउटवर्ड कैटरिंग सर्विस अदर देन द प्रीमाइस हैविंग डेली टैरिफ ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ₹7501 फ्रॉम प्रेजेंट 18% विद ITC टू 5% विदाउट ITC। द रेट शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ कैटरिंग इन प्रीमाइस विद डेली टैरिफ ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज ₹7501 एंड अबव शैल रिमेन 18% विद ITC। तो आपका अगर टैरिफ 7501 से कम है तो उस केस में आपको 5% विदाउट ITC का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, और अगर आपका टैरिफ 7501 से ज़्यादा है तो 18% विद ITC आपका कंटिन्यू रहेगा, जैसे पहला था। ये कैटरिंग सर्विसेज के लिए आया है। इसके अलावा जो वर्क सर्विस के लिए 5% का GST रेट दर घटा के 1.5% कर दिया है फॉर जो वर्क सर्विसेज इन रिलेशन टू डायमंड्स। देन इसके बाद जो वर्क सर्विसेज के लिए ही 18% से घटा के 12% कर दिया है उन सप्लाई ऑफ मशीन जो वर्क सच एज फॉर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। देन इसके बाद वेयर हाउसिंग एग्जेम्पशन आई है टू एग्जेम्प्ट प्रोस्पेक्टिव सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउस ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स नट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रिलेटेड आइटम्स, अब इनका वेयर हाउसिंग के ऊपर जो GST था वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देन ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू इंक्रीज इन द वैलिडिटी ऑफ कंडीशनल एग्जेम्पशन ऑफ GST ऑन एक्सपोर्ट फ्रेट बाय एयर और सी बाय अनदर 1 year दैट इज टिल 30th September 2020। सो इट इज़ अ बिग चेंज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एक्सपोर्टर्स। देन इंश्योरेंस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम निकाली थी उसको GST के परव्यू से बाहर कर दिया है। देन इसके बाद जितनी भी MHA के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर इंश्योरेंस स्कीम आती है लाइक सेंट्रल आर्म पार्लियामेंट्री फोर पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस फंड फॉर देयर मेंबर्स अंडर द रिस्पेक्टिव ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनके ऊपर GST का एग्जेम्पशन फॉर इंश्योरेंस आ गया है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन की अगर बात करें तो एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडिएटरी टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स व्हेन बोथ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर लोकेटेड आउटसाइड द टेरिटरी। तो आपने यहाँ बैठ के आउटसाइड इंडिया के बायर और सप्लायर को मिला के उनको इंटरमीडिएटरी सर्विस दी तो वो GST के प्रीव्यू से बाहर हो गई है। देन इसके बाद R&D सर्विस फॉर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी आपका GST माफ हो गया है। देन मिसलेनियस में क्या है दोस्तों, अब सबसे पहला तो रॉयल्टी का, टू अलाउ द रजिस्टर्ड ऑथर्स, पहले रॉयल्टी फॉर ऑथर्स RCM में फॉल करता था मैंडेटरली, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं तो अब उनको अलाउ कर दिया कि आप फॉरवर्ड चार्ज में GST चार्ज कीजिए और पब्लिशर को रिवर्स चार्ज में उस सिचुएशन में पे करना नहीं पड़ेगा। देन टू नोटिफाई ग्रांट टू लीकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस एज नो सप्लाई। देन जो हमने पहले देखा फीफा अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप के लिए अगर कोई सर्विसेज दी हैं तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो गई है, गुड्स पहले एग्जेम्प्ट हो गए थे अब सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। देन ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स टू अलाउ पेमेंट ऑफ GST ऑन सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज अंडर RCM एट द मेरिट रेट ऑफ 18% एंड टू क्लैरिफाई दैट GST ऑन सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज फॉर पीरियड प्रायर टू RCM पीरियड शैल बी पेड ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, IGST शैल बी पेबल ऑन सर्विसेज सप्लाई ऑफ दीज सर्विसेज एंड इन केस वेयर CGST, SGST, UTGST हैज बीन पेड सच टैक्सपेयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अगेन। तो जितनी भी आपके सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज हैं उनके ऊपर अब RCM लगेगा, बिफोर RCM पीरियड में आपको IGST पे करना था, लेकिन अगर आपने IGST की बजाय
लोकल टैक्स पे कर दिया है वो भी आपका अलाउबल है, उसमें आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देन टू अलाउ RCM ऑन सप्लायर्स पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5% ऑन रेंटिंग ऑफ व्हीकल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड LLP व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो ये एक RCM में आपका जो रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स है वो फॉल कर गया है। देन देर इज ए क्लैरिफिकेशन टू क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ एंट्री सर्विसेज ऑफ एक्सप्लोरेशन माइनिंग और ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस और बोथ टू क्लैरिफाई द टैक्सेबिलिटी ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस लेवी बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो ये जितने भी सर्विसेज में चेंजेस आए हैं, सर्विसेज के रेट्स में चेंजेस आए हैं, ये सब 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव होंगे। इसके लिए रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन GST डिपार्टमेंट रिलीज कर देगा। होप ये सारी की सारी चेंजेस आपको समझ आ गई हैं। दोस्तों कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।